से पहले दुल्हन ने तोड़ी शादी दूल्हे की, इस बीमारी की वजह से मचा बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। झांसी में शादी का एक रिश्ता शुरू होने से पहले ही टूट गया। दरअसल शादी समारोह के दौरान जयमाला हो चुकी थी, सात फेरे लेकर वरवधु सात जन्मों तक रिश्ता निभाने का वचन भी एक दूसरे को दे चुके थे, लेकिन जब विदाई का समय आया तो दूल्हा अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। आसपास मौजूद लोगों ने देखा कि लड़के के हाथ पैर अकड़ रहे हैं, तो इसके बाद दूल्हे को चप्पल सुंघाई गई। इसके बाद दूल्हे की हालत ठीक हुई, लेकिन इसके बाद दुल्हन ने दूल्हे के साथ ससुराल जाने से मना कर दिया। दुल्हन के मना करने के बाद बारात में आए रिश्तेदारों ने जमकर हंगामा किया और दुल्हन को साथ ले जाने की जिद करने लगे। वहीं दुल्हन के समर्थन में उसका पूरा परिवार आ गया और लड़की को भेजने से मना कर दिया। अब दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई। झांसी के शहर कोतवाली के अलीगोल खिड़की के रहने वाले दीपक शाक्य ने बताया कि उसकी बहन आरती की शादी झांसी की प्रेमनगर क्षेत्र के रहने वाले राजकुमार से हुई। दो माह पहले सगाई भी हो गई थी और शादी भी 11 मार्च को हुई। दीपक ने कहा, हम अपनी पूरी तैयारी कर चुके थे, शनिवार को बारात भी समय से आ गई थी, पूरे धूमधाम से हमने अपनी बहन की शादी की इंतजाम किया था, लेकिन जब विदाई का वक्त आया तो दुल्हन को विदाई के लिए कार में बैठा दिया, लेकिन जब दुल्हा कार की तरफ जा रहा था तभी अचानक वो गिर गया और उसका पूरा बदन अकड़ने लगा और वह अपने कपड़े फाड़ने लगे, लेकिन तभी उसके घर वालों ने उसे चप्पल सुंघाई तो वो ठीक हो गया। इसके बाद बहन ने दूल्हे के साथ ससुराल जाने से मना कर दिया। दीपक ने बताया कि लड़के वाले और उनके साथ बारात में आए रिश्तेदार दुल्हन को ससुराल ले जाने पर अड़ गए, लेकिन दुल्हन जाने को तैयार नहीं हुई। इसके बाद लड़के वाले कार से दुल्हन को नीचे नहीं उतरने दे रहे थे, तब हम सभी लोग कार के आगे खड़े हो गए और विरोध किया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने दुल्हन को कार से नीचे उतारा। इसके बाद वे लोग शहर कोतवाली पुलिस के पास चले गए। हम भी थाने में शिकायत देकर आए हैं। लड़के को मिर्गी आती है, इसके बारे में पहले उसके घर वालों ने जानकारी नहीं दी, अब हम अपनी बहन की शादी उससे नहीं करना चाहते। वहीं दूसरी ओर दूल्हे के परिजनों का कहना है कि दूल्हा राजकुमार शादी की रस्मों के कारण 3 दिनों से जगा था, इसलिए उसे चक्कर आ गए, उसे कोई मिर्गी नहीं आती। अब पुलिस को शिकायत दी है, पुलिस ही न्याय करेगी। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए ग्रीन लाइन न्यूज।